तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि रेजलूम के अंदर हम लोग एक कस्टम बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट किसी प्लगइन्स के और विदाउट किसी एनी सोर्स के। तो हम लोग, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक फोटोशॉप चाहिए और दूसरा हमें चाहिए आपका फेवरेट रेजलूम अरीना। तो हम लोग कैसे इसके अंदर कस्टम कोई भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, रनिंग बॉर्डर हो या कुछ भी हो, तो कैसे और एनी शेप में, किसी भी शेप में आप उसको बनाना चाहें तो बड़े ही इजी तरीके से उसको बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमें आफ्टर इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और एक बात और, जब जो इस चैनल पे नया है, जो नया वीडियो देख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और जो लोग पुराने हैं उन्हें उनका काम पता है, प्लीज लाइक एंड शेयर और कमेंट करें। और कमेंट करें कि आने वाला टॉपिक आपको किस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसको अपलोड करें। तो प्लीज बने रहें वीडियो के साथ में, और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, देन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा कि हम लोग इसको कैसे करना है। और बहुत ही इजी मेथड है, कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आप सिंपल इसको कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये देखेंगे, मेरे पास मैंने रेजलूम ओपन किया हुआ है। तो सिंपल आप यहाँ से सोर्स में जाके आप सॉलिड कलर यहाँ पे फिल करें किसी भी एक लेयर पे। ठीक है, यहाँ सॉलिड कलर आ गया आपका। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ आउटपुट में जाके एडवांस सेटिंग्स में जाकर आप प्रीसेट में न्यू पे जाएं, देन आप कोई भी अपने टाइप की स्लाइस बना लें, किसी भी टाइप की बनाना चाहे आप, चाहे कोई भी स्लाइस हो, सॉरी आउटपुट में। ठीक है, तो किसी भी टाइप की आप स्लाइस देखें, जैसे मैंने इस टाइप से ये बनाया, इसका डुप्लीकेट किया, देन मैं इसे यहाँ करता हूँ और यहाँ डुप्लीकेट करके मैं इसे यहाँ बनाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसे इस टाइप से इसका 7 बना लिया। ठीक है, और डुप्लीकेट किया, ये आपको आपने वही साइज बनाना है जो आपका स्क्रीन का लगा हुआ है, जिस टाइप से आपका सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, ये डुप्लीकेट किया, देन इसको आप यहाँ सेंटर में रखें, इसे डुप्लीकेट करें, यहाँ लाएं और इसे इस तरह से टेपर कर दें, इस टाइप से, और डुप्लीकेट किया, इसका एक साइज इस टाइप से किया, राइट। और इसे भी हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, तो मैं ये साइज इसे मैं इस टाइप से बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट किया हमने, ये साइज आप यहाँ पे भी बना लें इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो आप मतलब मैंने जो साइज बनाया वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोई कस्टम साइज बना सकते हैं। तो सबसे इन सब स्लाइस को मैंने कंट्रोल इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके मैंने सभी को सेलेक्ट किया, इनपुट में जाता हूँ एंड इसको करता हूँ मैच आउटपुट शेप्स, देन इसको सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैं लेके आता हूँ स्क्रीन वन, तो मेरा सेम सेटअप यहाँ पर सामने आ गया है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ से किया मैंने स्नैपशॉट किया, तो मेरा ये स्नैपशॉट यहाँ शो हो गया। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और जाता हूँ शो इन एक्सप्लोर। तो शो इन एक्सप्लोर में जाने के बाद मैंने किया मिनिमाइज इसे, देन ओपन करता हूँ अपना फोटोशॉप।
तो मैंने फोटोशॉप ओपन किया। स्टेप बाय स्टेप देखना, अभी फोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा आपका है सीखने वाला पार्ट, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, आप सिंपल सा है, आप सीख सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसे ड्रैग कर दिया फोटोशॉप के अंदर इस टाइप से। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरा ये सारा का सारा पार्ट यहां पर आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, यहां आप देखेंगे लेयर वन आपको नजर आ रहा है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के जो आपका कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट को इकट्ठा प्रेस करें और देन यहां पर प्रेस कर दें। लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, ये आई थिंक ये वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके साथ में मर्ज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो चलो मैनेज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो जब हम स्लाइस बनाते हैं तो बिल्कुल साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किया, उसके बाद मैंने यहां से एक डुप्लीकेट लेयर ली, नीचे वाली लेयर को किया बंद, और यहां से मैं इस वाले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूं, और यहां पर जो आप जो लाइन नजर आ रही है आपको रनिंग में हल्की हल्की, इस पे राइट क्लिक किया और स्ट्रोक में गया। स्ट्रोक में जाने के बाद यहां पर आप व्हाइट कलर फिल करें, और यहां पर आपने जो ओके एंड यहां पिक्सल जो आप है, जितना आप बॉर्डर का थिकनेस चाहते हो, आप बॉर्डर का थिकनेस के अकॉर्डिंग ही यहां पर जो पिक्सल करें। तो मैं अबाउट 12 पिक्सल कर लेता हूं, देन इसको करता हूं ओके, और इसे करता हूं फाइल को मैं करता हूं सेव, सेव एज पीएनजी, और यहां पर मैं करता हूं कुछ भी, ठीक है, दिस ब्लॉक पे, और मैंने इसको यहां सेव कर दिया, ठीक है, राइट। इसे किया सेव डेस्कटॉप पे, और वापस आ जाता हूं रेजोल्यूम में। तो रेजोल्यूम में आने के बाद मेरे पास ये डिजाइंस आ गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं अपनी कंपोजिशंस के अंदर, सॉरी 3 नंबर लेयर में, ठीक है। तो यहां मैं 3 नंबर लेयर में भी जा सकता हूं और मैं कंपोजिशन के अंदर भी जा सकता हूं, आप डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये इफेक्ट के अंदर आप करेंगे मास्क, यहां से आपने मास्क सेलेक्ट किया, सिंपल ड्रैग किया, और यहां से फाइल को लोड कीजिए। कौन सी वाली फाइल, जो हमने डेस्कटॉप पे जस्ट अभी बनाई है, ये वाली फाइल, ठीक है। इसको किया मैंने ओपन, ठीक है। यहां चैनल पे आप जाके इसे करेंगे अल्फा, तो जैसे आप अल्फा करेंगे ये देखेंगे, तो यहां थोड़ा वो बन गया है, बिकॉज हमारा जो स्लाइस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना था, इस वजह से, ठीक है। तो हमारा जो विजुअल्स है वो इस टाइप से डिजाइन बन गया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कोई भी विजुअल्स प्ले करना चाहो तो कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो आपके जो भी नीचे की लाइंस हैं, इस पे आप कोई भी विजुअल्स प्ले करें इस टाइप से, तो आप विजुअल्स इसको प्ले कर सकते हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी विजुअल्स आप प्ले करना चाहो तो इस पे विजुअल्स प्ले हो जाएगा। और मजे की बात एक और, वो क्या मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी आपने इस 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे कुछ अच्छे से विजुअल्स रखें आप, ठीक है, जो आपको लुक वाइज अच्छे हों। इसका थोड़ा साइज बड़ा करते हैं हम लोग, और फिर देखेंगे। ये देखिए, अब आपका जो ग्राफिक्स है उसने ग्राफिक्स को ही आपका वो कर दिया है, लेकिन इसके लिए ध्यान रखें इसका जो स्केल है वो बढ़ा दें तो और अच्छा लगेगा इस टाइप से, ठीक है। तो आप ये देखें, इसका स्केल बढ़ा दिया तो और अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहां से इसके ग्राफिक्स की साइज की आप लोकेशन या सॉरी साइज स्पीड चेक कर सकते हो, ये देखिए इस टाइप से, और इसके स्केल को आप थोड़ा बढ़ा के रखें इस टाइप से। अगर इसका स्केल को बढ़ा के रखेंगे तो आपका थोड़ा जो लुक आएगा वो और अच्छा आएगा, तो आपको लगेगा ही नहीं। तो आप इस टाइप से इसकी स्पीड को बढ़ाकर भी इसका इस टाइप से बना सकते हैं, और आप कस्टम 2 मिनट में आप अपने मेन्यू पे बना सकते हैं। आपको प्री डिसाइड नहीं है करना कि आप कहाँ पे जाके कैसे करेंगे, कहाँ जाके कैसे करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। और ये देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा स्केल करता हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो आपका ये विजुअल्स कुछ इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो आप ये जो बॉर्डर है वो किसी भी शेप में बना सकते हैं,
किसी भी शेप में, मतलब किसी भी शेप के अंदर वो उस बॉर्डर को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर, जैसे अब मान लीजिए टस्क के ऊपर हमने ये वाला सेटअप लगाया, इस टाइप से सेंटर में लगाया, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ठीक है फोटोशॉप में जाता हूँ, ग्रिड बनाता हूँ और तब जाके वो सेटअप करूंगा। नहीं, नथिंग, आपको यहाँ से ही इस सेटअप को आप बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छी सी वीडियो में, तो तब तक के लिए